और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए? पांच सौ साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य परम धन है। कहते ही हैं हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। अब यहां पंचकर्म जैसी प्राचीन पद्धतियों का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन देखने को मिलेगा। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की फील्ड में एडवांस रिसर्च भी होगी और मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला,
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव, दूसरा समय पर बीमारी की जांच, तीसरा मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं, चौथा छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना, और पांचवा स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन पांच स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अभी यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी है इनमें से कई अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। ये अस्पताल हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बनेंगे। आज जिन फार्मा यूनिट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन्स के साथ हाई क्वालिटी स्टैंड्स और इम्प्लांट भी बनेंगे। ये यूनिट फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो, पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से
आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है।